नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आज के इस लर्निंग वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से लोग क्यों नहीं टिक पाते, क्यों लॉसेस करते हैं, क्या वजह से वो अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और क्या रीज़न है कि वो अपना कैपिटल लूज़ कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे और बेसिकली ऑल रिटेल ट्रेडर क्या गलती करते हैं और अपने इमोशंस में आके अपने पूरे पैसे, अपने अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है, जब कोई ट्रेडर मार्केट में आता है तो उनका इमोशन उनके अंडर कंट्रोल नहीं होता है। वो क्या करते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, इनडिसिप्लिन रहते हैं और उस वजह से अपना पूरा लॉस करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक गलतियाँ जो हम सब करते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये सारी गलतियाँ हम करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली कौन से मिस्टेक्स हम करते हैं और उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जो लोग ट्रेडर होते हैं, बिगनर होते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और जैसे ही उन्होंने किसी को ट्रेड लिया, समझो उन्होंने कोई ट्रेड लिया और उनको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, समझो 10K का प्रॉफिट हो गया, तो वो लोग का क्या, उनका साइकोलॉजी क्या होगा, उनका इमोशंस क्या होंगे? उन्हें अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर 10,000 का प्रॉफिट मिल जाता है तो वो लोग इमिडिएटली सेकेंड ट्रेड लेंगे और सेकेंड ट्रेड में अगर उनका फिर से अगर 10K से अगर उनका आ जाता है 5K, तो वो लोग क्या करेंगे, इमिडिएटली और आगे ट्रेड लेते रहेंगे और बार बार ट्रेड लेंगे जब तक कि उनका वापस 5K से 10K पे नहीं आ जाता। तो ये होती है साइकोलॉजी। एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो गया अगर फर्स्ट ट्रेड में, तो हम जो आपका एक 10K का प्रॉफिट हो गया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, ना कि आपको दोबारा उसी ट्रेड में वापस जाना चाहिए। क्या होता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने की वजह से आपको अगर अच्छा प्रॉफिट दे दिया है तो आपको वापस ग्रीडी नहीं होना है, वहाँ से निकल जाना है। ये बेसिकली बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे रिटेल जो ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उन सबकी प्रॉब्लम है। इवन मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। जब कभी भी हमें कोई प्रॉफिट होता है तो हमें उस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, ना कि उस प्रॉफिट को वापस वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेड ले तो एक बार ट्रेड ले, लेकिन सिर्फ 2K का ही आप 2,000 का ही सिर्फ रिस्क ले, इससे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2,000 का रिस्क ले। अगर आप 2,000 का रिस्क ले रहे हैं और 2,000 अगर लॉस हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने 10,000 कमाए हैं 10K, और अगर उनका अकाउंट 6K हो जाता है तो यहाँ पर उनके इमोशंस पूरे तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो अगेन सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड और फोर्थ ट्रेड भी ले लेते हैं जब तक कि उनका अकाउंट 10,000 तक नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजी है, इसे सब लोगों ने, मैंने भी इवन बहुत ज़्यादा फेस किया है, लेकिन अभी इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका प्रॉफिट 10K आ रहा है तो हो सके बेटर, अगर आप हो सकता है तो 10K में ही एग्जिट कर ले, दोबारा ट्रेड ना ले, और लेना चाहते हैं तो कम से कम रिस्क पे ले। और जब तक कि आप, जो लोग क्या करते हैं कि इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं, जिनका 10,000 प्रॉफिट होता है और फिर 5 पे आ जाते हैं, तो जब तक उनका वापस 10 पे नहीं पहुँचता वो लोग कंटिन्यू ट्रेड लेते रहते हैं और यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है हर एक रिटेल ट्रेडर की, और वो अपना लॉस कर बैठते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, अपना लॉस नहीं करना है। अगर आप एक न्यू हैं, बिगनर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपको ये साइकोलॉजी मेंटेन करनी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि तो कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और अगर ट्रेड ले रहे हैं अगर 3 बार से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो बेटर ये होगा कि आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग ना करें, अपने कैपिटल को बचा के रखें। क्योंकि अगर कैपिटल रहेगा तो ही आप मार्केट में रहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अगर नो कैपिटल, तो कैपिटल नहीं होगा तो आप मार्केट में नहीं रहेंगे। मार्केट हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन आप नहीं रहेंगे अवेलेबल। ये सबसे गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैंने सीखा है। आपको अपना कैपिटल सेव करना ही होगा, सेव करेंगे कैपिटल तो ही आप मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। इसलिए सेव कैपिटल, ये बात को बहुत ध्यान रखो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं भी एज ए ट्रेडर, मैं आपको बता दूंगी कि वो ट्रेडर अच्छा नहीं है जो मैक्सिमम लॉस भी झेल सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रेडर अच्छा है जो कम से कम लॉस करता है, लो से लो लॉस जो करता है, वही मुझे लगता है मार्केट का किंग ट्रेडर होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक गोल्डन स्टेटमेंट है कि जो भी न्यू ट्रेडर जो बनना चाहते हैं, जो आए हुए हैं, वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम रिस्क ले, और अगर आपका टारगेट रिस्क, जो आपका
टारगेट है, समझो जो भी लो टारगेट है आपका दिन का, जो टारगेट होगा कि मुझे आज 2000 का लॉस तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो मेहरबानी करके 2000 के लॉस के बाद कोई ट्रेड ना ले, क्योंकि अगले दिन फिर कोई मार्केट होगा और फिर आपको कहीं ना कहीं 5000 का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आप उसी दिन उस 2000 को रिकवर करने में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप 5000 लॉस कर देंगे। तो बेटर यही होगा कि उस 2000 लॉस को आप हंसी खुशी एक्सेप्ट कर ले, ये सोच ले कि आज का मेरा 2000 का लॉस जो मेरा टारगेट था हो गया, और कल के दिन आप फिर से उसे बाय करके आपका वापस रिकवर हो जाएगा। तो ये सबसे कॉमन बात है जो हर कोई फेस करता है। मैंने भी बहुत बार अपने काफ़ी सारे लूज़ किए पैसे, लेकिन जब मुझे समझ में आएगा कि मार्केट इस तरह नहीं चलता है, मार्केट रैंडम होता है, आपको उसे डिसिप्लिन में ही काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन के लोगों को ही वो रिस्पेक्ट करता है और प्रॉफिट देता है। तो आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल रहे तो आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी होगी, मार्केट के प्राइस एक्शन को देखना होगा, तो ही आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट गेन करना है तो मेरा यही एक मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए एज अ ट्रेडर। अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है और आपके लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सारे मिस्टेक्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने भी ये सारे कहीं ना कहीं किसी से सीखे हैं और मैं इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जब हमारे लॉसेस होते हैं तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी नहीं रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें अगर डिसिप्लिन में रखे ही काम करना होगा, क्योंकि एक ट्रेडर को अगर मार्केट में ज़िंदा रहना है तो उसके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। लोग एक साथ में कैपिटल लाते हैं, अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं और पूरा का पूरा लॉस कर देते हैं। तो ये इस बात को ध्यान रखना है कि लॉस ऐसा चीज़ है जो आपको मार्केट से एग्जिट कर देगा, और मार्केट से एक बार आपकी एग्जिट हो गई तो दोबारा एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज का लर्निंग वीडियो यही था कि आपको अगर मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के लिए आपको मार्केट में कैपिटल सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।